नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। रीवा के साइंस कॉलेज के एक दर्जन कुशल अकुशल कर्मचारियों पर नौकरी से बाहर होने की तलवार लटकी, जिसके चलते कर्मचारी पहुंच गए कलेक्ट्रेट परिसर। कलेक्टर की अनुपस्थित में एडीएम को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की बात कही। कर्मचारियों का कहना था, प्राचार्य ने हमको 15 दिन कॉलेज ना आने के लिए कहा है। इस बारे में जब हमने लिखित में मांगा तो उन्होंने लिखकर कुछ भी देने से साफ तौर से मना कर दिया, जिसके चलते उनको लग रहा है अब कॉलेज में उनको नहीं रखा जाएगा। ये सभी कर्मचारी जन भागीदारी समिति से पिछले 8 से 9 सालों से साइंस कॉलेज में काम कर रहे थे। पूरे मामले को लेकर हमने कर्मचारियों से बात की, आइए आपको सुनाते हैं उनका क्या कुछ कहना था। सर, हम लोग शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय से हैं। हम लोग वहाँ 8-9 साल से काम कर रहे हैं और हमारी डॉक्टर प्राचार्य हैं, आरती सक्सेना मैडम हैं, और उन्होंने हम लोगों को अचानक से ब्रेक दे दिया है और दूसरों द्वारा बोला गया है कि हम लोग 15 दिन कॉलेज ना आएं। तो हम लोगों ने उनसे बात किया कि मैडम, हम लोग को लिखित दे दीजिए, कहाँ आदेश है, क्या कैसा है, इतने सालों से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, हम लोगों को इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो उन्होंने बोला कि आप लोगों को मैंने ब्रेक दे दिया है और आप लोग जाइए, और मैंने आप लोगों को नहीं फिर हम लोगों ने बात किया कि आप लोग लिखित दे दीजिए। तो उन्होंने बोला कि मैंने आपको नहीं बुलाया है, आप लोगों को जहाँ अच्छे जगह पे जाइए, अच्छे जगह पे जॉब करिए, यहाँ तो कम पैसे मिलते हैं, और इसलिए हम लोग यहाँ पे। मेरा नाम है दीपिका तिवारी। सर, हम यहाँ पे सभी लोग इकट्ठे होकर कलेक्ट्रेट में इसलिए आए कि मैडम से जब हम लोगों ने विनम्र निवेदन करने गए कि मैडम इस तरह से लिखित में हम लोगों को आप सूचित कर देती, या आप 16 से 30 का जो हमको ब्रेक दी हुई है उसका लिखित में आदेश दे के ये बोलती कि 1 तारीख को आपका अपने कार्यभार पर उपस्थित होना है, तो हम लोग आराम से अपने अपने अवकाश दिनों को लेकर इंजॉय करते। पर मैडम ने इस तरह से कोई भी सूचना नहीं दी और ये कहा कि आपको करना हो तो करिए, वरना आप जा सकते हैं। जी सर ने बोला है कि मैं कार्यवाही करूंगा, आप लोग इधर आए तो उन्होंने कार्यवाही करने की आश्वासन दिया है। ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।